Hello everyone, I am Dipesh from IIT Delhi. So finally exam of JAM 22 is done. I will say कि तुम सबने अच्छा ही किया होगा क्योंकि पेपर ईजी था. जितने भी कैंडिडेट से मैंने बात करी सबने बोला कि पेपर वॉज कंपेरेटिवली ईजी एज पर लास्ट ईयर. जो भी ड्रॉपर्स थे या फिर जो न्यू अटैम्प्ट से जैम 2021 का कंपेरेटिवली ज़्यादा ट्रिकी था, ज़्यादा हार्ड था, लेकिन जैम 22 का एकदम लेवल बिलो एवरेज आई कैन से मॉडरेट से ईजी की तरफ जाएगा. क्वेश्चन जो आए थे वो इस टाइप से पूछे गए थे कि एमसीक्यू में जितना मैंने पूछा कि एमसीक्यू जो क्वेश्चंस थे उसमें 60% क्वेश्चन डायरेक्टली तुम सॉल्व कर सकते थे, देख के आंसर कर सकते थे अगर तुमने सिंसियरली प्रिपरेशन करी है 6 मंथ्स या 12 मंथ्स की, ठीक है. और बाकी 40% थोड़े बहुत ट्रिकी थे. तो पेपर इजी था लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चे ये कर सकते हैं कि क्वेश्चन देखा हम टिक कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं तो सिली मिस्टेक्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पर पेपर इजी आने पे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, तो वही सिली मिस्टेक्स बढ़ सकते हैं इस पेपर में. बट मैं कहूँगा पेपर इजी था, सब कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे तो कट ऑफ डेफिनेटली इंक्रीज होगी. तो यहाँ पर मैंने कट ऑफ एनालिसिस के लिए जैम 2021 के लिए है, यहाँ पर 2022 का है और ये 2019 का है, 2018 का है. तो आप देखोगे यहाँ पे 2021 में 19.52, 2020 में 16.96, 20.31, 28.46. तो जो इस साल का जैम का पेपर है वो किससे मैच करता है, तो वो बेसिकली 2018 से एग्जैक्टली मैच कर सकता है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन बेसिक आए थे. बेसिक क्वेश्चन इन द सेंस कि सिंपल क्वेश्चंस ऐसे थे कि तुमसे B2 का बॉन्ड ऑर्डर पूछा था, है ना, और साथ में पोटेशियम और इनकी रिएक्शन पूछी थी. जब मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसमें सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करूंगा. तो मतलब ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये कंपेरेटिवली इजी हैं और ये 11th 12th की एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं. तो मतलब रुड़की ने जो पेपर बनाया है वो बिल्कुल स्टिक टू द बेसिक्स बनाया है कि अगर तुम बेसिक्स पे स्टिक करोगे तो तुम्हारी अच्छी रैंक आ जाएगी. तो आई विल से अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ सिनेरियो क्या कट ऑफ रहेगा, तो 25 से 30 के बीच में इस साल कट ऑफ जा सकते हैं क्योंकि पेपर इजी था, सबने अच्छा अटेम्प्ट करा है. और अगर हम बोलें कि कट ऑफ क्लियर करने से क्वालिफाई करने से तो कोई अच्छी आईआईटी मिलेगी नहीं, तो सिंपली आई विल से कि तुम्हें सेफ जोन में रहने के लिए 60+ मार्क्स तो चाहिए होंगे 300 रैंक इनके अकॉर्डिंग, एंड मे बी AIR लेस देन 300 अगर चाहिए तो ओके, एंड 70% प्लस है तो आई विल से AIR तुम्हारी लेस देन 100 आ सकती है, ठीक. तो अभी धीरे धीरे आंसर की आएगी, तुम एनालिसिस करोगे तुम्हारे सिली मिस्टेक्स होंगी, तो डोंट वरी पेपर आसान है या तुम्हारी सिली मिस्टेक होगी, सिली मिस्टेक्स हर किसी की हुई होगी क्योंकि कोई भी डायरेक्टली सारे क्वेश्चन सही नहीं करेगा. तो सब तुम सिली मिस्टेक्स तुम्हारी हुई है तो दूसरे की भी हुई होगी. सेफ जोन आई विल से कि तुम्हारे 60+ मार्क्स तो होने चाहिए एक अच्छी IIT में जाने के लिए, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो. तो बाकी अब जो कट ऑफ आएगी या सिली मिस्टेक्स इतनी हुई हैं, है ना, आंसर की आएगी, पूरा एग्जाम पैटर्न आएगा तो काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी. बट एग्ज़ाम काफ़ी इजी था, है ना, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आए थे, काफ़ी सॉलिड स्टेट एक इजी टॉपिक है और उससे 5+ क्वेश्चन आए थे. बायो इनऑर्गेनिक अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा आया था, मेरे कुछ नोट से डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे. जब मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें सब कुछ डिस्कस करूँगा. बायो इनऑर्गेनिक आया था, OMC से अगेन फिर से उस इतने ही 4 या 5 क्वेश्चंस आए थे और काफ़ी इजी आए थे, रिलेटिवली इजी आए थे लास्ट ईयर के पेपर से. देन अगेन कोऑर्डिनेशन जितना आता उसके मतलब प्रॉपर सारे टॉपिक को टच करा था, फेज इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस बार अच्छे से आया था. क्वेश्चंस हार्ड नहीं थे, सिंपली किसी में चार्ज पूछा था, है ना, और एक में डेल्टा जी की वैल्यू पूछी थी जो कि गैल्वेनिक सेल, सिंपल गैल्वेनिक सेल था. तो ये काफ़ी क्वेश्चंस इजी हैं जो 12th लेवल या बैचलर्स के लेवल के हैं, तो पेपर इजी था, सिली मिस्टेक नहीं करी तो एक अच्छी रैंक तुम डिजर्व करते हो, है ना. तो सेफ स्कोर आई विल से 60% और लेट्स सी क्या होता है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.